जय गुरु माता जी, प्रणाम। आशीर्वाद बेटे, कहाँ से बोल रहे हैं बेटे? भरतपुर राजस्थान से बात कर रहा अच्छा, प्रश्न करें, क्या पूछना चाह रहे थे बेटे? मैम। मैं तनाव में रहता हूँ, थोड़ा डिप्रेशन में ज्यादा रहता हूँ। काफी समय से डिप्रेशन में ज्यादा जाता हूँ और कुछ बदनामी भी है। डिप्रेशन में रहता हूँ मैं तो, आप बता ही रहो। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? आपको मान सम्मान की प्रतिष्ठा में हानि हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले हम बताएं कि आपको पद प्रतिष्ठा में हानि हो रही है। कारण ये है कि आपकी जो मनोस्थिति है वो डिस्टर्ब हो रही है, हाँ जी, और इसी कारण मनोस्थिति डिस्टर्ब होने का मतलब है कि आपको आपका मन चाहा फल प्राप्त नहीं हो रहा है, मन चाहे कार्य नहीं हो रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, लोगों से आपको धोखा मिल गया, जहाँ आपकी आस लगी हुई थी वो आस आपकी पूर्ण नहीं होने के कारण आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। और ये सत्य है या नहीं? क्योंकि डिप्रेशन का जो शिकार आप हुए हैं वो आपके अपनों के ही कारण हुए हैं, हाँ जी, ये भी सत्य है या नहीं, बताइए। मैं खुद अपनी वजह से हूँ, दूसरों की वजह से कहूंगा मैं। नहीं, डिप्रेशन पे जा रहे हैं ये आपका कहना है बेटे, ठीक है, लेकिन आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, मनोस्थिति डिस्टर्ब हुई है, तो आपकी आस के कारण हुई, आपकी आस लगी हुई है कि मेरे साथ ये होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। आप ऊंची उड़ान भरते, कम समय में सब कुछ पा लेने की इच्छा रखते हैं। थोड़ा बहुत है हाँ, और वही कारण है मनोस्थिति डिस्टर्ब होने का। हम शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं कि आपकी मनोस्थिति जो डिस्टर्ब हो रही है आपके अपनों के कारण हो रही है, क्योंकि जी, आपने आस बांधा, आस बना करके, और गलती स्वयं ने कर लिया, हाँ जी, जो चीज आपको प्राप्त नहीं हो सकती है वहां आपने दिमाग लगा लिया, और जो प्राप्त नहीं होने के कारण आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्रोध रहित रह रहे हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मनोस्थिति आपकी स्थिर नहीं है। आपके जीवन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सोचने में आपका मन सामर्थ्यवान नहीं है, है हाँ ना? जी, हाँ जी, और इसका मूल कारण भी आप ही हैं, क्योंकि हाँ जी, आपने गलत जगह निर्णय लिया, और वह गलत जगह निर्णय लेने के बाद आपको वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जो आप चाह रहे थे, है जी, ना? एजुकेशन के क्षेत्र में भी आपका बड़ा अच्छा रुझान था, पढ़ाई में आप बहुत अच्छे रहे हैं, है ना? और स्कूल लाइफ में भी आपकी पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी, सब लोग आपको चाहते हैं, सभी के चाहते रहे हैं आप, लेकिन कहीं कहीं आपने अपने मन को गिरा लिया, हाँ जी, हाँ जी, और गलत जगह गिरा लिया, जहाँ आपको वो सुख प्राप्त होना ही नहीं है, आपके साथ छल होना है, वहां आपने अपने मन को लगा लिया, और आज आप पछता रहे हैं कि मुझे नहीं, मैंने गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और अपने आप को आप इतना धिक्कार रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी गलती कर लिया हूँ, जिसका मैं जो यह दुख जो मैंने पा रहा हूँ, तो जो मैंने गलती किया है और ये दुख जो मुझे प्राप्त हो रहा है, इसका कारण भी मैं ही हूँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और इस कारण का निवारण मैं कैसे करूं, इस विषय को लेकर के आप चिंतित हैं, जी, हाँ जी, दिमाग डिस्टर्ब रहता है। और यह चिंता आपको चिता की ओर ले जा रही है, उल्टे सीधे सब ख्याल मन में आ रहे हैं, अपने आप हाँ जी, को धिक्कार रहे हैं आप, हाँ, और इस परिस्थिति को आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, और आप स्वयं सह भी नहीं पा रहे हैं, हाँ और यह डिप्रेशन का शिकार हुआ है आपका शुक्र, आपका जो मनोस्थिति है वो डिस्टर्ब कर, आपकी जो इंद्रियां हैं वो स्वयं विचलित हो गई, इंद्रिय विचलित होने के कारण आपने अपने मन को अस्त व्यस्त कर लिया, गलत जगह लगा लिया, और वहां से जब आपको शून्य हासिल हुआ, जीरो हासिल हुआ, तो अब आप पछतावे की जिंदगी जी रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, और यह पछतावा इतना ज्यादा हो रहा है कि कभी कभी तो आप बहुत स्वयं के जीवन के लिए गलत निर्णय लेने में आतुर हो जा रहे हैं बेटे, हाँ जी, हाँ जी, सही है, समझ लेकिन रहा हूँ, हाँ हाँ समझ रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप।
हाँ, लेकिन आपको अपने आप को क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं है मेरे बेटे। भगवान ने यह शरीर दिया है, जिसने भेजा है वही ले जाएगा। हमें अपने आप को, इस शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आपको गलत निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा जब आपके साथ है, माँ भगवती आपके साथ है, शक्ति स्वरूपा आपके साथ है कि नहीं, आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, शक्ति स्वरूपा है तभी, शक्ति स्वरूपा आपके साथ है तभी आप माँ भगवती के श्री चरणों में समर्पित हुए हैं। भले वीडियो के माध्यम से आपको माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन हुआ तो ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपके भीतर भी वही शक्ति विद्यमान है, जिन शक्ति के दरबार में आपने अर्जी लगाई है। आपका फोन माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ दरबार में लगा है, सिवनी, मध्य प्रदेश। हाँ जी, हाँ जी, आपके अंदर भी वह दिव्य शक्ति विद्यमान है, जिस कारण आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छा सुन समझ और महसूस कर पा रहे हैं और जीवन में अमल कर पा रहे हैं। और वही शक्ति की कृपा से ही आज आप महाशक्ति और ब्रह्म शक्ति के दरबार में आपका नंबर लगा है। और अब ये बताइए थोड़ा, ये सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा? बहुत ज्यादा ये सब सही हो जाएगा। इसका मूल कारण है कि आपके जीवन में काल दोष लगा। काल दोष के कारण आप काल की गाल में समाए, काल के वशीभूत होकर के आपके इंद्रिया वशीभूत हुई, इंद्रिया विचलित हुई, और इंद्रिया विचलित होकर के मनोस्थिति डिस्टर्ब हुई और आपने गलत निर्णय ले लिया। हाँ, गलत निर्णय ले लिया, बस वही गलती हो गई, बस हाँ, थोड़ी, और नहीं तो वह मैं अपने आप को बचा उसका, सकता और था। अगर आप अभी भी नहीं संभल पा रहे हैं तो फिर से ये गलती होगी, और ये गलती फिर से नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको शुक्र का उपाय करना है मेरे बेटे, शुक्र का उपाय करना है और काल दोष की शांति कराना है। हाँ, तो शुक्र की और शांति करने, शुक्र का उपाय कराना है और काल दर्प का उपाय कराना है। काल सर्प दोष की शांति करवाइए और शुक्र की शांति करवाएं, और क्या नाम बताया आपने, सागर, सौरभ, सौरभ, सौरभ। शुक्र की शांति आपको करवानी है बेटे।